दोस्तों, पूरी के स्ट्रीट फूड टूर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बहुत सारे फूड का हम लोगों ने ऑलरेडी भ्रमण कर लिया, खा लिया, उसको एंजॉय कर लिया। अब बारी है पिटाई पराठा की। जी हाँ, पिटाई पराठा सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्या कहा जाए, क्योंकि इसको पीट पीट कर बनाया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम पिटाई परोठा है। पिटाई परोठा उड़ीसा का ट्रेडिशनल फूड नहीं है, पर यहाँ के स्ट्रीट फूड का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो अब रच बस गया है। और इधर अवेलेबल है एक उड़ीसा डिश, पिटाई पराठा। पूरा नाश्ते के लिए आप लोग इधर खा सकते हैं। ये है कालीपदो जी का दुकान, जो भारत सेवाश्रम के सामने है, और इधर फेमस है पिटाई पराठा। इंडिया के दूसरे कोने में इसे रुमाली रोटी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर इसे नॉनवेज चिकन करी या मटन करी के साथ खाया जाता है। यह रोटी एक लोकप्रिय भारतीय रोटी है, जो पतली और ट्रांसपेरेंट होती है, रुमाल या हिंदी में रुमाल जैसी होती है। रुमाली रोटी गेहूं के आटे, पानी और कभी कभी थोड़ी मात्रा में तेल या घी के आटे से बनाई जाती है। आटे को तब तक गूंथा जाता है जब तक वह नरम और लचीला ना हो जाए। इसके बाद रोटी को एक बेलन और एक गोल चपटे बोर्ड, जिसे चकला कहा जाता है, का उपयोग करके बहुत पतली कागज की पतली शीट के समान बेल दिया जाता है। रुमाली रोटी पकाने के लिए इसे पारंपरिक रूप से एक गर्म उल्टे उभार लिए हुए तवे के किनारों पर पकाया जाता है। रोटी जल्दी से दोनों तरफ से सिक जाती है, जब तक कि यह फूलकर हल्की ब्राउन चित्ती ना आ जाए। इसके बाद इसे हाथों से पीट पीट कर तोड़ दिया जाता है और तौल कर बेचा जाता है। रुमाली रोटी को परंपरागत तरीके से उल्टे तवे में पकाया जाता है, जबकि इस पिटाई परोठा को सीधे तवे में पकाया जाता है, और तब तक पीटा जाता है जब तक कि पूरी तरीके से जो पकना है, चारों तरफ से यह पकना जाए। रोटी जल्दी से दोनों तरफ से सिक जाती है और ये फूल कर कहीं से फूल जाती है, कहीं से पिचक जाती है, और पीटने के बाद तो बिल्कुल गुथी हुई रोटी मिल जाती है। फिर इसे इतना तोड़ा जाता है कि तौल कर इसे आराम से छोटे छोटे टुकड़े में बेचा जा सके। रुमाली रोटी को अक्सर विभिन्न करी, कबाब या अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ परोसा जाता है, लेकिन उड़ीसा में इस पिटाई परोठा को आलू दम या आलू चना की सब्जी के साथ खाया जाता है। इसकी पतली और नाजुक प्रकृति के कारण यह भरने के चारों ओर लपेटने या करी लेने के लिए स्कूप के रूप में उपयोग करने के लिए एकदम सही है। यह अपनी नरम बनावट और आसानी से फटने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। यह पूरी की गलियों में एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, और आप जहां भी जाएंगे उस कोने में एक पिटाई परोठा की दुकान तो मिल ही जाएगी, और साथ में वहां पर खाने के लिए भीड़ लगाए लोग भी मिलेंगे। हम ऐसे ही एक दुकान में स्वर्ग द्वार के पास खड़े हैं और उसे टेस्ट कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं। तौल कर हमें एक दोने में दिया गया है, छोले के साथ, छोले सब्जी के साथ। ये है पिटाई पराठा, जो पूरी में चौरगोदा रोड में है, और एग्जैक्ट लोकेशन है भारत सेवाश्रम की एकदम पास। और ये है पिटाई पराठा, जो उड़िया फूड है, जो इधर पूरी का फेमस है, खाके तो जरूर देखेंगे। और इसके साथ सब्जी है मटर, मटर का घूगनी जैसा, बहुत गर्म है, छोटा भी तोड़ नहीं पा रही इतना गर्म।